राम राम
इतने मीठे राम का जन्म करवा दे, इतने प्यारे राघवेंद्र का प्रागट्य करवा दे, और वो प्रागट्य बिना प्रेम नहीं होगा, वो तो प्रेम से होता है। तो आइए थोड़ा कथा का क्रम। सबसे पहले ये कथा शिव जी ने रची, अपने मानस में मानस को रखा, योग्य समय पर शिवा के सामने कहा। फिर ये कथा काकभुसुंडी को मिली, कैलाश से एक दूसरी चोटी पर गई, जहां भुसुंडी ने गरुड़ को सुनाई। फिर यह कथा धरा धाम पर तीर्थराज प्रयाग में आई, जहां परम विवेकी याज्ञवल्क जी ने परम जिज्ञासु भरद्वाज जी को सुनाई। कथा परंपरा का गान करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने ये कथा मेरे गुरु से वराह क्षेत्र में, सुकर क्षेत्र में सुनी। बचपना नादानियत ना समझी समझो, गोस्वामी जी कहते हैं, इसलिए मेरे मन में कथा उतरी नहीं, लेकिन गुरु बड़े करुणावान कि बार बार कथा सुनाई, तब कुछ मन में बैठा और उसी समय मैंने निर्णय किया कि भाषाबद्ध करब मैं सुन, मैं उसको भाषाबद्ध करूंगा, मोरे मन प्रबोध जे ही होई, और ये संकल्प किया कि उसको भाषामय करूं। और फिर 1631 की रामनवमी साल बताई, रामनवमी का अयोध्या में जन्मोत्सव हुआ। भगवान का जन्मोत्सव मना करके गोस्वामी जी कहते हैं, सरजू के तट पर मैंने इस कथा का आरंभ किया। कब पूरा हुआ शास्त्र, उसके लिए महात्मा अपना अपना मत देते हैं, इस चर्चा में नहीं जाना है। इतना ही कह दें कि आरंभ दिखाया जाता है, कथा का अंत कैसे दिखाया जाए, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की कथा अनंत है, इसलिए उसका अंत कैसे बताएं। शास्त्र तैयार हो गया और गोस्वामी जी ने उसका नामकरण करते हुए ये पंक्ति लिख दी, राम चरित मानस के श्रवण पाई विश्राम, सुनत श्रवण पाई विश्राम। शास्त्र का नाम रखा रामचरितमानस, और फल बताया कि इसका जो श्रवण करेंगे उसको विश्राम मिलेगा, और श्रवण करके हृदय में उतार देंगे उसको परम विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। शास्त्र महिमा का गान किया, इस मानस सर तक पहुंचने की कुछ बाधाएं और विघ्न की भी चर्चा की, और ऐसे राम कथा के सरोवर के इस मानस सर के चार घाट बनाए, एक घाट ज्ञान घाट, एक घाट भक्ति घाट, एक घाट कर्म घाट, और एक घाट शरणागति का। ज्ञान घाट पर शिव कथा भवानी को सुनाएंगे, कर्म के घाट पर याज्ञवल्क भरद्वाज जी को सुनाएंगे, उपासना और भक्ति के घाट पर बाबा भुसुंडी गरुड़ को सुनाएंगे, और प्रपन्नता शरणागति के घाट पर बैठकर स्वयं गोस्वामी जी अपने मन को और साधु संत को सुना रहे हैं। तो अब गोस्वामी जी प्रपन्न घाट से कथा शुरू करके हमको तीर्थराज प्रयाग के कर्म के घाट पर लिए चलते हैं, जहां भरद्वाज जी निवास करते हैं। भरद्वाज बस प्रयाग इनगी राम पति
भरद्वाज जी प्रयाग में निवास करते हैं। प्रतिवर्ष कुंभ स्नान के लिए, कल्पवास के लिए महात्मा खट दर्शन आते थे। एक बार महाकुंभ और सभी साधु संत आए हैं, कल्पवास करके सब विदा लिया और अंत में याज्ञवल्क महाराज ने विदा ली तो भरद्वाज जी ने उसको रोक लिया, बाबा आप न जाइए। भरद्वाज जी के आश्रम में याज्ञवल्क जी रुक गए और भरद्वाज जी ने जिज्ञासा की, महाराज आप मुझे बताइए राम कौन है। वैसे तो मैं राम के बारे में जानता हूं लेकिन आप खुलासा करिए। शंकर जिसका जप करते हैं, वेद जिसके बारे में नेति कहते हैं, संत साधु जिसका सुमिरन करते हैं, वो राम तत्व कौन है। आनंदित हुए याज्ञवल्क महाराज, मुस्कुरा दिए भरद्वाज जी की जिज्ञासा सुनकर। बाबा बोले बोले करके याज्ञवल्क जी बोले कि महाराज आप राम की प्रभुता से परिचित हैं, फिर भी आपने मूढ़ की तरह प्रश्न किया क्योंकि आप मेरे से राम के गूढ़ चरित्र सुनना चाहते हैं। आप उपकारक हैं, आप जैसा श्रोता मिले तो मैं जरूर कथा कहूंगा। श्रोता प्रपन्न हो तो वक्ता प्रसन्न हो ही जाता है। प्रसन्न और प्रपन्न का मिलन होता है, वहां परम प्रकट हो जाता है, परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है। और इसलिए मानसकार कहते हैं, रामायण का गान शुरू करते पहले महात्म्य गान कहा, राम कथा शशि की संत चको राम कथा वाली का राम हे भरद्वाज जी, भगवान की कथा चंद्र की किरण है, राम चंद्र है, राम कथा चंद्र किरण है, जन जन तक पहुंचती है। लेकिन फिर भी चकोर ज्यादा रस लेता है, वैसे संत रूपी चकोर उनका दिव्य पान कर लेते। मोह रावण है और मोह रूपी रावण को राम मार सके, लेकिन हमारे जीवन में तो महामोह है, उसको तो राम कथा ही मार सकती है, तालिका बनकर उनका विनाश कर सकती है। तो सुनिए राम कथा। ऐसा कहकर याज्ञवल्क महाराज ने भरद्वाज जी को कहा, पहले शिव चरित्र सुनिए। आपने जैसा प्रश्न किया ऐसा ही प्रश्न एक बार भवानी ने किया था,
और रामचरित्र से पहले शिवचरित्र, सेतु बंद कर दिया, एकता सिद्ध कर दी, कथा वैष्णव की और प्रारंभ शिव कथा से। कितना अद्भुत समन्वय कर रहे बाबा जी। शिव कथा को प्रीत से सुने बिना राम कथा के अमृत का अधिकार की पात्रता नहीं होती, इसलिए शिव कथा पहले कही। एक बार भगवान शिव सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए, वहीं से कथा का आरंभ किया। तो याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को शिव चरित्र सुनाने लगे कि महाराज एक बार शिव सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए। महाराज ने पूरी कथा सुनाई। भगवान शिव जी को लगा कि कथा सुनाई तो मुझे कुछ कथा की दक्षिणा देनी चाहिए, तो पूछा कुंभज को, महाराज आपको कथा के बदले में क्या दे? कुंभज ने कहा मैं अयाचक हूं, कुछ मांगता नहीं। तो बोले मैं ऐसे अपने ढंग से दे दूं और आपको अनुकूल न पड़े तो, इसलिए आप कुछ कहे। तो कुंभज ने मांगा नहीं, पूछा। ऋषियों की महिमा देख, वो मांगते नहीं। मांगना वो भिक्षु कहलाते हैं लेकिन भिक्षुक नहीं है, सम्राटों की झोली भर देते हैं। अध्यात्म देता है और थोड़ा तुम्हारा भौतिक लेता है, वो भी तुम्हारे साधनों की शुद्धि के लिए, ताकि अध्यात्म से तुम्हारा जीवन भर देता है। तो कहा महाराज पूछिए। तो बोले मैंने आपको राम कथा सुनाई। कुंभज ऋषि ने कहा महाराज आप मुझे राम भक्ति के बारे में कुछ सुनाए? और बड़ी सावधानी से पूछा, और शंकर जी समझ गए कि भक्ति का जीव है, और सावधानी से पूछा अधिकारी है, इसलिए शंकर भगवान ने अधिकारी को जानकर भक्ति दी। भक्ति अधिकारी को, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। शंकर के भजन बिना भक्ति नहीं मिलती। कथा सुनी, भक्ति का वरदान दिया और मुनि से विदा मांगी। दक्ष सूता सती साथ साथ, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी थी। सती के मन में तो हुआ कि ये घड़े से पैदा हुआ ऋषि वो क्या कथा कहेगा, ये शिव जी ले आए तो चलो बैठना पड़ा, बाकी तो, इसलिए वो चुप गई। सती और शंकर जा रहे हैं, उसी समय दंडक वन में भगवान की लीला चालू थी। सीता का अपहरण हो गया था, राम लक्ष्मण रोते रोते घूमते थे। प्रभु का विलाप देख करके सब व्याकुल हो गए। उसी समय शिव वहीं से निकले और भगवान शंकर को लगा कि जिसकी कथा सुनी वो तो यहां मौजूद है, और मुझे यदि दर्शन हो जाए तो कितना भाग्यवान। तो बड़ा दिव्य भाव उठा, लेकिन सती ये मर्म नहीं जान पाई कि शिव के हृदय में क्या। इतने में सरकार लीला करते करते निकले, रोते रोते निकले, और शंकर भगवान ने लीलाधर की लीला देखी और कहा हे सच्चिदानंद, हे जग पावन, क्या नाटक कर रहे हैं मालिक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतरे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय
वयम् नमः। सच्चित आनंद स्वरूप प्रभु को हृदय में उतारा और गदगद हो गए। सती ने देखा कि क्या हो गया, ये एक आदमी अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है और तो उसको देखकर सच्चिदानंद कह दिया। सती ने तर्क कर दिया और इतने प्रेम में डूब गए कि अपने भाव को रोक नहीं रहे। सती ने प्रश्न पूछा शंकर जी को कि ये कौन है महाराज, आपने उसको प्रणाम क्यों किया? शंकर जी ने पूछा देवी आपने प्रणाम नहीं किया? बोले मैं क्यों करूं, बुद्धिमान बाप की बेटी हूं, आप तो भावुक है, कहीं भी सिर झुका लेते, ये रो रहा है। अरे सामान्य आदमी की पत्नी खो जाए तो कम से कम वृक्ष को तो नहीं पूछता, ये तो वृक्ष को पूछ रहा, इतनी अज्ञानता है जिसमें, उसको तुम आनंद स्वरूप कहते हो, उसको सत कहते हो। शिव जी ने कहा देवी आप चुक गई, आपने कथा सुनी होती ना तो ये तर्क नहीं करते, तो तुम भी राम को पा लेते। देवी जिसकी कथा महाराज ने हमको सुनाई, जिसकी भक्ति का दान महाराज को हमने दिया, वही मेरे इष्ट देव राघवेंद्र है, साक्षात परमात्मा है, देवी लीला कर रहे हैं, तुम भरोसा करो। और अब भगवान शिव भवानी को सब तरह से समझाने लगे कि राम ब्रह्म है। गोस्वामी जी लिखते हैं मुनि धीर जोगी सीधर संतक बीमार मन जिन ध्यावई बीमार मन जही कहिने राम व्यापक ब्रह्म, ये साक्षात परमात्मा ब्रह्म व्यापक है। अवतरे वो अपने भगत हित, अपने भक्तों के लिए अवतार लिया है, माया का अधिपति है, स्वतंत्र सत्ता है ये। हर दर्शन के माध्यम से शिव ने सती को समझाया कि लीला करने वाला ये राम साक्षात परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, भगवान है, धर्म विग्रह है। भक्तों के प्रेम के लिए अवतार लिया है। सती नहीं मानी, सती ने तर्क किया, मानसकार को लिखना पड़ा लागन उर उपदेश जद भी कहे शिव बार बहु बोले बिहसी महेश हरि माया बल जाए। शिव जी ने बहुत उपदेश दिया तो भी नहीं माने,
और फिर भगवान बहुत खुलकर हंसने लगे कि मेरे कहने से भी जिसका संदेह नहीं गया विधि विपरीत हो गया। और मैं कहता रहता हूं कि दुनिया में सबको समझाना आसान है लेकिन पत्नी को समझाना सीताराम। शिव सफल नहीं हुए तो जीव बेचारा कौन, भगवान शंकर सफल नहीं हो पाए। तीन व्यक्ति को समझाना बड़ा मुश्किल है, एक तो पत्नी को, दूसरे पड़ोसी को और तीसरे अपने पितराई भाई बहन होते। बुद्ध को सबसे ज्यादा कष्ट दिया अपने पितराई भाइयों ने, सबसे। कभी चट्टान गिराई, कभी हाथी उस पर भेज दिया, सब पितराइयों का खेल। और पड़ोसी को समझाना बड़ा मुश्किल, पूरी दुनिया तुमको वंदन करेगी लेकिन पड़ोसी वाले नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि क्या है इसमें, सब प्रणाम कर दे, उसको तकलीफ होगी, ऐसा होता है। और पत्नी वो तो सुप्रीम है, उसको तो समझाना ही मुश्किल है, बड़े बड़े थक गए, पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल। त्रेता युग में सफलता नहीं मिली तो कलयुग में कैसे मिले। और भाई लोग, मेरी बात ठीक है? सोचकर जवाब दो, मैं 5 मिनट बैठा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। नहीं, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, ये जहां कथा होती वहां एक तो तीर्थ है और फिर और तीर्थ हो जाता है, और तीर्थ में झूठ बोलना वज्रलेप हो जाता है। बात करीब करीब सही है कि दुनिया को तुम समझा सकते हो, पत्नी को समझाना बड़ा कठिन। बिल्कुल, पति पत्नी दिल्ली गए तो 5-स्टार होटल में गए, 5 तारक होटल में, उसको कमरा रखना था। जुवान जो कमरा बुक कर रहा था वो ऑफिस के आदमी ने कहा कि आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं? अब बोले हाँ, पत्नी है मेरी, मैं उसका पति। बोले तुम्हारे शादी का सर्टिफिकेट, क्योंकि हमारी होटलों में ऐसे कई लोग ऐसे घुस जाते हैं और फिर कानून का प्रश्न उठ जाता है, अपराध हो जाता है, तो तुम्हारा सर्टिफिकेट बताओ कि तुम कब ब्याह है। उसी समय पत्नी चिल्लाने लगे अपने पति को कि मैंने लाख बार आपको समझाया कि सर्टिफिकेट साथ में रखो, लेकिन कभी सुनी तुमने हमारी, तुम पुरुष जात समझते नहीं कभी। हम जो कहते हैं, हम गार्गी के वंश में है। ले, गार्गी कहां और पंच तारक कहां। कई बार आपको कहा लेकिन आप नहीं समझते, आप अहंकारी हैं, पुरुष जात ही ऐसे। सर्टिफिकेट एक साथ में रखने में बिगड़ क्या जाता था। लो, अब मिलेगा कमरा। उसी समय होटल वालों ने कहा कि प्रमाण पत्र मिल गया, जाओ तुम, हो मिल गया प्रमाण पत्र, अब जरूरत नहीं है। तू इतना डांटती है तो पत्नी ही हो सकती है, दूसरे की हिम्मत नहीं हो सकती, जा जा जा। और बात बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। एक बहन अपने पति से 1000 रुपया मांग रही थी, 1000 रुपया दीजिए ना, इस सप्ताह में जरा सब्जी का भाव बढ़ गया है तो घर के खर्चे के लिए। तो वो जरा नाराज, जरा कुछ थका मांदा था, उसने कहा कि तू जब मांगते है मुझसे पैसा ही मांगती है, कभी कभी मुझसे थोड़ी अक्ल मांगा कर, थोड़ी बुद्धि मांग मुझसे, जब मांगती है पैसा ही मांगती, थोड़ी बुद्धि मांग। तो पत्नी ने बड़े ठंडे कलेजे से जवाब दिया कि आपके पास जो हो वो ही तो मांगू, पैसे है तो पैसे मांगती हूँ, अक्ल तो तेरे में नहीं, मैं क्या मांगू। हाँ, तो बराबर ले पासो, कबूल थे क्यों मूर्खो। पहला ऐसा था भाई कि ये जो इंटरव्यू निकलते थे ना दफ्तरों में, गवर्नमेंट ऑफिसों में इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में एक मांग ही ऐसी रखी जाती थी कि जो शादी जिसकी हो गई हो उसको नहीं रखेंगे। क्योंकि होता था क्या कि शादी जिसकी हो जाएगी वो दफ्तर में नहीं रहेगा, घर में पड़ा रहेगा,
अपनी पत्नी के पास रहेगा, इसलिए दफ्तर। अब क्या हो गया, अब उल्टा हो गया कि जिसकी शादी हो गई हो वही आए, क्योंकि उसको पता कि घर में रहेगा ही नहीं, बाहर ही रहेगा क्योंकि घर में नहीं है, ज्यादा काम ऑफिस में करेगा, ऐसी दशा हो गई। इसलिए जिसने शादी नहीं की वो भाग्यवान है, करनी चाहिए लेकिन दो तीन कथा सुनने के बाद करना, ताकि जरा सहन शक्ति आ जाए, मुकाबले में जरा तुम डटे रह सको। एक आदमी ने कुछ गुनाह किया तो अदालत में पेश कर दिया गया, तो गुनाह कबूल कर लिया, तो न्यायाधीश उसको दंड देने जा रहे थे, पूछा न्यायाधीश ने, तुम्हारा ब्याह हो गया है तो जाओ जाओ, दंड हो गया, अब देने की जरूरत नहीं, तेरा दंड हो ही गया, तू दंड भोग ही रहा है और तुझे क्या कर। बड़े बड़े मार खा गए। दुनिया को समझाना आसान, पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल है। भगवान शंकर नहीं समझा पाए, इसलिए हंस दिया कि भगवान की माया कितनी प्रबल है। भवानी को, सती को कहा, मेरे कहने से आपका संदेह यदि नहीं जाता है तो आप जाकर परीक्षा करो। सती सीता का वेश लेकर राम की परीक्षा करने गई, पकड़ी गई, भगवान का व्यापक तत्व देख लिया और बड़ी ग्लानी से लौटी। मैंने शिव का कहा माना नहीं, अब मैं क्या जवाब दूं, डरी। भगवान शिव ने पूछा कि कैसे कसौटी की, बोले कोई परीक्षा नहीं की, झूठ बोले। और भगवान ने ध्यान में देख लिया तो सती सीता का वेश लेकर गई थी। शिव को धक्का लगा कि राम मेरे प्रभु हैं, सीता मेरी माँ है, और मेरी पत्नी सती ने सीता का वेश लिया, तो आज से ये सती भी मेरी माँ लगती है, अब उनसे गृहस्थ जीवन का कोई संबंध नहीं। मन में संकल्प किया, सती का ये शरीर रहेगा तब तक मेरा और उनका कोई गृहस्थ संबंध नहीं, और ये संकल्प किया और आकाशवाणी हुई, धन्य हो शिव, आपके सिवा भक्ति को इतना बल कौन दे सकते। सती को शंका हुई, आकाशवाणी क्यों हुई, उसका बार बार उसके बारे में पूछा, लेकिन शिव ने बात टाल दी, कैलाश पहुंचे। कथा भरद्वाज जी को याज्ञवल्क जी कह रहे, अपनी प्रतिज्ञा का विचार करके भगवान शिव समाधि में बैठ गए। सती समझ गई कि मेरा त्याग हो गया। 87,000 साल बीत गए, भगवान समाधि से मुक्त हुए, राम राम बोलने लगे तो सती गई। इतनी सालों के वियोग के कारण सती को बिल्कुल पछतावा हो चुका था, भूल समझ में आ गई थी। शिव को लगा कि मुझे कुछ कहना नहीं, उसको रसप्रद कथा सुनाऊं ताकि उसका मन थोड़ा खुश रहे। रसप्रद कथा कहने लगे, उसी समय दक्ष यज्ञ की कथा आई है, और सती शिव की फिर एक बार बात मानती नहीं और दक्ष के यज्ञ में जाती है, और वहां पिता के द्वारा अपमान पाकर सती दक्ष के यज्ञ में अपना देह जलाकर भस्म कर देती। संशयात्मा विनश्यति, जिसको संदेह हो जाता है उसका अंत विनाश में ही हुआ करता है। तो सती जल गई, लेकिन जलते समय भगवान से मांग की सती ने कि जितना जन्म मुझे मिले स्त्री का ही मिले, और जन्म जन्म मुझे भगवान शिव ही पति को प्राप्त, पति के रूप में मिले। उसी कारण सती का दूसरा जन्म हिमालय के घर पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में हुआ। हिमाचल की समृद्धि बढ़ने लगी। एक बार नारद जी हिमालय के घर आए और पुत्री को प्रणाम करवाया। हिमालय ने कहा कि ये मेरी बेटी बड़ी उम्र में मिली है, आप जरा उसका भविष्य कहो। नारद जी ने सब अच्छी बातें बताते बताते कहा कि उसकी पति रेखा जरा विपरीत है, मतलब उसको पति ऐसा मिलेगा कि जिसको कोई माँ बाप नहीं होगा, स्मशान में रहता होगा, भस्म लगाता होगा, भूत प्रेतों की मंडली में रहेगा, अगुण होगा, अमान होगा, दिगंबर होगा, व्याल
सर्प को लगाए हुए रहेगा। माता पिता को जरा कष्ट हुआ कि इतनी सुंदर बेटी और ऐसा पति मिले, लेकिन पार्वती समझ गई कि वर के जो जो दोष गिनाए जा रहे हैं वो भगवान शंकर के पास ही है और मुझे मेरे प्रभु मिलेंगे। नारद जी ने कहा कि आपकी बेटी को ऐसा पुरुष मिलेगा और ये सब लक्षण शंकर जी को लागू होते हैं और शंकर को पाने के लिए आपकी बेटी को तप करना पड़ेगा। आशीर्वाद दिया, पार्वती तप के लिए जाती है, खूब तप किया, आकाशवाणी में उसको तप का फल मिला कि पार्वती तुम्हारा मनोरथ पूरा हो रहा है, भगवान शंकर तुमको पति रूप में मिलेंगे। तुम्हारे पिताजी तुमको बुलाने आए तो हट छोड़कर घर जाना और हमारी वाणी को तभी प्रमाणित मानना जब सप्तऋषि तुमको आकर मिले। यहां भवानी ने तप किया, शिव मिलेंगे उसका फल मिल गया। यहां भवानी के वियोग में शिव जी भी और विशेष विरागी बनकर घूमते थे और एक बार ध्यान में बैठ गए। शिव के ध्यान को, प्रेम को और नेम को देखकर भगवान राम भद्र प्रकट हुए, जागे। शिव जी को कहा, महाराज मैं प्रसन्न होकर प्रकट हुआ हूं, आपको कहूं कि आप मेरे से कुछ मांगो इसलिए नहीं, आज मैं आपसे मांगने आया। महाराज, हाँ, मुझे एक वरदान दो। बोले क्या? कि सती का जो आपने त्याग किया था, दक्ष के यज्ञ में जल गई, वो हिमालय के घर पुत्री बनी है, आपके लिए बड़ी तपस्या की, मैंने आशीर्वाद दे दिया आकाशवाणी से, हिमालय का निमंत्रण मिले तब शिव आप उसका पाणी ग्रहण करें। भगवान शंकर ने शुरू में कहा कि महाराज एक बार ब्याह कर लिया, अब दूसरी बार फंसना नहीं है। बोले नहीं, मेरा आदेश है। तब शिव ने कहा कि आप आदेश करते हैं तो हमारा सेवकों का धर्म है आपका आदेश को शिरोधार्य करें। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा को मस्तक पर मत रखो, हृदय में रखो। बोले क्यों? आप महान हैं, हम आपके सेवक हैं, स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य की जाती है। बोले नहीं नहीं, आप शिरोधार्य मत करें, हृदय में रखें। बोले क्यों? बोले आप सिर पर रखेंगे तो मुझे डर लगता है, आपके सिर की जटा से गंगा बहती है और इस गंगा के बहाव में कहीं मेरी आज्ञा भी बह जाए, इसलिए आप फिर तपस्या में बैठ जाए तो फिर दूसरी बार मुझे आना पड़े। शिव जी को आदेश दिया, भगवान अंतरहित हो गए। सप्तऋषि आए, भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा के लिए भेज दिए। प्रेम परीक्षा में पार्वती सफल हुई। हिमालय के पास जाकर सप्तऋषियों ने कहा कि आपकी बेटी सफल है। शिव जी के पास आकर सप्तऋषियों ने कह दिया कि अद्भुत प्रेम है आपके प्रति, आपको उसको स्वीकार करना ही चाहिए। भवानी के प्रेम की कथा सुनकर सदाशिव को फिर समाधि लग गई। पूरा प्रसंग याज्ञवल्क जी सुना रहे। शिव पुनः समाधि में, मानसकार कहते हैं उसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ, दैवी समाज को परेशान करने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि तारकासुर की मृत्यु कैसे हो। ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है कि शंकर का पुत्र ही तारकासुर को मार सकता। बोले शंकर तो अकेले? बोले हाँ, कामदेव को भेजो, उनकी समाधि तुड़वाओ तो ब्याह में करवाने की जिम्मेदारी लेता। देवताओं ने कामदेव को बुलाया और काम ने जाकर भगवान शिव की समाधि तोड़ दी। त्रिलोचन शिव ने तीसरा नेत्र खोला और काम को जलाकर भस्म कर दिया। रति रोती हुई आई, करुणावतार शिव ने रति को वरदान दिया, कृष्ण अवतार में तुझे तेरा पति कृष्ण तनय के रूप में द्वापर में पुनः मिलेगा, वरदान दे दिया। रति प्रसन्न होकर लौट गई। यहां भगवान शिव के पास सभी देवता लोग आ गए, प्रशंसा करने लगे। बड़े चालाक देवता, होशियारी की। ये नहीं कहा कि आपकी शादी हो, आपके घर पुत्र हो तो वो तारकासुर मरे तो हमारे भोग सलामत रहे, ये बात नहीं कही। होशियार लोगों ने कहा, महाराज ये देवता, ब्रह्मा जी ने कहा ये देवता मेरे पीछे पड़े हैं,
कि कहीं समय से किसी का ब्याह नहीं हुआ, किसी की ब्याह में बाराती बनने का अवसर नहीं मिला, सब रुखा सुखा लगता है, तो महाराज आप ब्याह करें तो हम आपके बाराती बने। शंकर जी कहे मैं तुमको समझता हूं, क्योंकि तुम देव हो, मैं महादेव हूं, मेरे प्रभु ने मुझे आदेश दिया है, इसलिए मैं ब्याह करूंगा। बाबा ने हाँ बोल दी, देवताओं ने बिगुल बजा दिए और शंकर की बारात की तैयारी। मानसकार कहते हैं सभी देवता खुश हो गए, इंद्र वरुण कुबेर सब देवताएं अपने अपने समाज को अपने अपने विमान को तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये स्वार्थी देवता कोई दूल्हे को संवारने नहीं गए, सब अपने में लग गए। और सब जानते हैं कि दूल्हे को न माँ है, न बाप है, न भाई है, न भगीनी है, कोई है, लेकिन स्वार्थी लोगों का ऐसा है, जिसका ब्याह होना है वो अकेला बैठा है। फिर उनके भूत प्रेत गण आए सब, और भूत प्रेत शंकर को श्रृंगार करने लगे। मेरे बाबा जी की मंत्रात्मक चौपाइयां महादेव का श्रृंगार कर रही, चलिए हम सब शिव का श्रृंगार करें। बाबा बोले शंकर की जटा को मुकुट बनाया, ऊपर सांप को अहिमोर बना लिया, अपने मानस के मुताबिक श्रृंगार कर रहे, कान में कुंडल की जगह, हाथ में कंगन की जगह सांप के आभूषण बनाए। गरल कंठ पुर कंठ में गरल है, उर नरसिर माला, गले में मनुष्य की खोपड़े की माला पे। भगवान शंकर को एक बार नंदी ने पूछा कि मालिक एक बात बताओ, क्या कि ये मनुष्य की खोपड़ी क्यों पहनते? अरे बोले खोपड़ी नहीं, अमंगल मत बोलो। बोले क्या, मेरे भक्तों का प्रारब्ध है ये सब, उनका ललाट मेरे भक्तों के, मेरे जो उपासक हैं उनके प्रारब्ध को मेरे गले में लिए रफरता हूं, ताकि मेरे भक्तों का कभी अकल्याण न हो, अशीव न हो, उसका कभी बुरा हाल न हो। ये खोपड़ी कोई है क्या? ये तो मेरे भक्तों का प्रारब्ध लिए बैठा। गरल शिव शिव धाम कृपाला शशि ललाट भाल में चंद्र सुंदर सिर पर गंग बह रही है नयन त्रिलोचन भुजंग की यज्ञोपवीत धारण की है, पूरे बदन पर भस्म लगाए, दुल्हा तैयार हो रहा है, दुनिया का पहला और अंतिम दुल्हा है, कि स्मशान की भस्म लगाकर ब्याहने गया हो। संसार का दुल्हा ब्याहने जाता है तो हल्दी लगाता है, परफ्यूम लगाता है, तेल इत्र छिड़कता है, और शिव गए तो भस्म लगा कर गए, मानो दुनिया को कह रहे हैं कि ब्याहो लेकिन शरीर प्रधान मत होना, क्योंकि शरीर तो एक बार चिता की भस्म हो ही जाएगा। ये नश्वरता दिखाने के लिए भाल में चंद्र लगाया है, क्या अद्भुत भोले बाबा का शरीर। सैन संग सम विशाल जटा झूट चंद्र भाल गंग की तरंग माल विमल वीर गाजे लोचन त्रय लाल लाल चंद्र की कोरी भाल कुंकुम सिर विशाल कुंकुम सिर विशाल
हाथ में त्रिशूल और डमरू दुल्हे के हाथ में लिया, सवारी के लिए बैल की सवारी। शंकर घोड़ा ऊपर हारा लागे तो मैं कल्पना करो तो इंद्रजी जाओ, घोड़ा ऊपर शिव बैठा अच्छा ही नहीं लगता, बैल पर ही सवारी उसकी अच्छी लगती। बैल धर्म का स्वरूप है, शिव धर्म के ऊपर बैठे हैं, उनकी अधर्म की सवारी नहीं है, धर्म की सवारी है। शिव जी विराजित है, स्वयं डमरू बजा रहा है दुल्हा खुद। बहुत प्रेत खुश हो गए अपने मालिक को देख, देवता लोग सब मजाक करने लगे कि क्या होगा इस दुल्हन का जिसको ये महाशय प्राप्त होंगे। कुछ देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी को कि भगवान इनके साथ भूत प्रेत आदि है, दिगंबर ये सब ऐसा बोल रहे, इनके साथ हम पीताम्बर वाले नीलाम्बर वाले देवलोग खूबसूरत, इनके साथ चलने में हमारी प्रतिष्ठा गिर जाएगी, तो इस दुल्हे को कहो ना जरा हमसे दूर चले। ब्रह्मा जी ने कहा ब्याह उनका हो रहा है, उसको कहेंगे कि जरा दूर चलो तो वो कहेगा कि आप हो आइए मैं यहाँ बैठा हूँ, और उसको बैठने के तुरंत समाधि लगती है और अब दूसरा काम देव नहीं है। तो बोले क्या करें, बोले हम बिलग बिलग हो जाए, व्यवस्था के नाम पर सब अपने अपने मंडली को लेकर बिलग हो जाओ ताकि शंकर अपने आप बिलग हो जाएंगे। देवताओं ने होशियारी चालाकी की और अपने अपने समूह के बिलग हो गए व्यवस्था के नाम पर। शंकर जी समझ गए कि ब्याह मेरा स्वार्थ तुम्हारा, और फिर मेरे साथ चलने में भी आपको तकलीफ है, और हमारी संख्या कम है इसलिए आप ये कर रहे हैं। भगवान शंकर ने श्रृंगी अपने गण को कहा कि श्रृंगी, बोले मालिक दुनिया में जितने श्मशान है और श्मशान में जितने अपने लोग रहते हों इन सब को जाहिर निमंत्रण दे दिया जाए कि मालिक का ब्याह हो रहा है, सब परिवार आइए। और दुनिया में जितने श्मशान सभी से भूत प्रेत के वृंद उमड़ पड़े। भोलेनाथ की बारा एक ही दुल्हा विश्व में ऐसा भगवान शिव जिसके ब्याह में पूरे दुनिया से बाराती आए थे, क्योंकि मौत तो हर जगह है, और मौत हर जगह है तो श्मशान भी हर जगह है, और श्मशान होंगे तो वहां भूत प्रेत भी होंगे। तो मैं कथाओं में कहता रहता हूं कि शंकर की बारात में हिंदुस्तान के ही भूत नहीं आए थे, अमेरिका के भूत भी आए थे, ब्रिटेन के भूत भी आए थे, अफ्रीका के सभी कंट्रीज से भूत आए थे, इधर एशिया खंड के जितने छोटे बड़े मुल्क हैं वहीं से भी आए थे, समंदर में छोटे छोटे द्वीप जहां जहां है वहीं से भी भूत आए थे, अरब कंट्री से आए थे, सब जगह से भूत आए थे। फर्क बोली का था, हिंदुस्तान के जितने भूत आए थे वो हर हर बोल रहे थे, और अमेरिका से आदि से आए थे वो हाय हाय हाय। मेरे शंकर जी तो सब भाषा जानते थे, तो कोई हाय कहता तो शंकर कहे बाय बाय। हाँ अंग्रेज वहीं से, वहीं के भूत तो उसकी भाषा बोलते होंगे ना, सीधी बात है। और शंकर सकल कला गुण धाम, सभी कला उनमें, सब भाषा जान से जितने भूत आए थे वो गंगा जल पी रहे थे, जमुना जल पी रहे थे, कृष्णा कावेरी का जल पी रहे थे, पवित्र कूप का जल पी रहे थे, और विदेश से जितने भूत आए थे वो सब कभी कभी आप जो पीते हैं वो पी रहे थे। आई बात समझ में? शराब आदि पी रहे थे। प्रसंग आया तो मेरे प्यारे श्रोतागण भाई बहन, मैं प्रार्थना करूं व्यास गादी से कि छोटे बड़े जीवन में नशे के व्यसन होना, राम कथा की गंगा पीने के बाद परित्याग कर देना। मेरे जिसने प्रभु नाम का अमृत पिया, मेरे गोस्वामी जी कहते हैं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्री राम नाम अमृतम, जिसने राम नाम का अमृत, जिसने कथामृत पिया है, लीलामृत पिया है, यदि छोटा बड़ा व्यसन हो तो फेंक दे, छोड़ दे। नशे ने नाश कर दिया है दुनिया समाज, जल्दी न छूटे तो धीरे धीरे छोड़ना, मात्रा कम कर देना, लेकिन भारतवर्ष में ये शोभास्पद नहीं।
कि तुम नशा करो, तुम्हारे आंगन में तुलसी हो और तुम्हारे फ्रिज में अंडा हो, वो हिंदुस्तानियों का घर नहीं हो सकता। तुम्हारे आंगन में तुलसी हो, चबूतरा हो, रंगोली हो, भारतीय स्वस्तिक हो, तुम्हारे आंगन की चौखट पर गणेश जी विराजित हो और तुम्हारे फ्रिज से बियर निकले, शराब की बोतलें निकले, तो तुम कौन मुल्क के वासी हो? अपना घर भारतीय का घर रखना, नशा छोड़ना, धीरे धीरे कम करना, जो भी नशा का रूप तुम में, जो भी व्यसन हो, छोटे बड़े जो हो, छोड़ दो। व्यसन इंसान का कभी न कभी एकदम तमोगुण और रजोगुण में उसका पतन कर देता है। बहुत व्यसन समाज में बढ़ते जा रहे हैं। व्यसनी होना हो तो व्यसन लो, मैं गायत्री की माला करूंगा, मैं महामंत्र का जप करूंगा, मैं गीता का नित्य एक अध्याय का पाठ करूंगा, ऐसा वचन व्यसन करो। कथा की दक्षिणा देनी हो तो हमको दे देना तुम्हारा व्यसन, हम उसको समंदर में फेंक देंगे और तुम निर्व्यसनी हो। छोटे छोटे देहातों में मजदूरी करता है आदमी, 10-15 रुपया कमाता है, उसमें 8 रुपये का पी जाता है, घर में मारपीट करता है। बड़े बड़े घरों में भी बस हम एडवांस है, हम इतने इतने आगे मॉडर्न हो गए हैं, हम इतने बस प्रगति, इस बहाने बस खाना पीना घूमना। भारतीयों की शोभा नहीं है मेरे भाई। मैं जब दबाव डालकर इस बात पर बोलता हूं तो कभी कभी कोई कहते हैं, बापू आप पीते नहीं, आपको क्या बता ले। हाँ, मूर्ख, हमने पी ऐसी तुमने कभी पी नहीं, हमने ऐसी पी कि जन्म जन्म उतरने वाली नहीं। नशा तो मुझ में है, शराब में नहीं। यदि शराब में होता तो बोतलें क्यों नहीं उछलती। नशा तो हरि नाम का है, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रैन। नानक देव कहते हैं जिसको नाम का नशा हो गया, प्रीत का भाव का नशा हो, नशा कम करना। सौबत से नशा आता है, संग से लोग बदल। शाला कॉलेज में छात्र देखे, उसको ऐसे कैफी द्रव्य दिए जाते हैं, चाय में, पान में, फला में, फला में, और वो व्यसनी होते जा रहे। देश की युवानी ऐसे टूट जाए तो बड़ा अच्छा नहीं। कहने का अभिप्राय, शिव के चारों ओर भूत प्रेत गणों के झुंड लग गए। कोई दुबले, कोई पतले, कोई बड़े पुष्ट, कोई हर हर महादेव बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, भगवान भोलेनाथ सबके बीच में सबसे प्यार कर रहे हैं, पूरा भूत प्रेत का समूह। अब देवताओं ने कहा कि जैसा दुल्हा ऐसी बारात बन गई हो, जैसा दुल्हा ऐसी बारात हो। देवताओं ने चालाकी की और देवता खुद फंसे। अब क्या हुआ कि इतने भूत प्रेत आ गए कि कोई देव को दुल्हे का अगत्य का महत्व का काम है तो दुल्हे के पास जा नहीं पाते। वो भूत प्रेत रोकते, रुको पहले हमको मिलो। कहां जा रहे हो, पहले मिलो हमको, क्या काम है, कौन हो तुम, कहां से आए हो। भगवान शंकर के पास जाने के लिए भूत प्रेत रोकते हैं। भूत प्रेत क्या है, हमारे छोटे बड़े विचार ही भूतावल है और ये विचारों का झुंड हमको हरि के पास, प्रभु के पास पहुंचने में बाधक बन जाता है। छोड़ो इन घाटियों विचारों की, छोड़ो इन तर्कों के चौराहे को, छोड़ो अनुमान प्रमाण के इन अटवियों को, इन जंगलों को, और पहुंचो भाव प्रदेश में भगवान शिव को मिलने के लिए। बाजे बज रहे हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, बारात चली। हिमाचल ने बहुत बड़ा बितान बनाया, तीर्थों की देवताएं हिमालय के घर रूप लेकर आई है। इतना श्रृंगार किया हिमाचल प्रदेश,
सब प्रसन्न है, हमारी बेटी ने बहुत तपस्या की है, दुल्हा कितना सुंदर होगा। मनोरथ लिए सब सम्मान के लिए आए, पूरा हिमाचल प्रदेश। देवताओं ने सोचा ये सब लोग अवकार के लिए आए होंगे, और इस दुल्हे को जो आगे रखेंगे उनके भूत प्रेत को तो देखकर सब भाग जाएंगे, और शंकर को तो अपमान की कोई पड़ी नहीं, सम्मान की कोई पड़ी नहीं, लेकिन हम देवता लोग सम्मान भूखे, फिर हमारा कौन सम्मान करेगा। तो योजना बनाई, पहले विष्णु, फिर इंद्र, फिर कुबेर, पहले सब देवताओं का सम्मान हो जाए, हम सबको निवास मिल जाए, फिर शंकर का जो होना हो। कितने स्वार्थी हैं। भगवान शंकर ने कहा भाई जिसको सम्मान चाहिए वो आगे रहो, हमको कोई आपत्ति नहीं, हमको तो कोई निवास नहीं मिले तो स्मशान हमारे लिए है ही, स्मशान में रहेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु, और सब कन्या पक्ष वाले सब फूलमालाएं सब ये लेकर आए, उमड़ पड़े दुल्हे को देखने, और भगवान विष्णु को देखते ही दंग रह गए। हाय हाय, सब कहने लगे बस यही दुल्हे है, यही दुल्हा है, शुभांगम है। एक व्यक्ति ने जाकर साहस कर लिया, विष्णु भगवान को पूछा आप दुल्हे महाराज हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी जी बगल में थी, देख कर कहा कि मेरी पत्नी है, मैं तो बाराती हूं, दुल्हा पीछे। लोग बहुत राजी हो गए कि हमारी पार्वती कितनी भाग्यवान कि जिसके पति की बारात में आए बाराती यदि इतने खूबसूरत है तो दुल्हा कितना खूबसूरत रहा होगा। विष्णु भगवान ने कहा कि वो देखकर पता करना कि क्या मामला है, वहां जाकर निर्णय करना। सबको सम्मान मिला, और अंत में जब भगवान की भूतावल आई है, और ये जरा भी मुझे तो ठीक लगता है, कोई भी दुल्हा जब ब्याहने जाता है बाराती लगभग भूतावल जीवी जो है, मैं आजकल जो नाचना सीखा है जो रास्ते पर क्या कहते हैं उसको, बस ही कथक नहीं करते हैं, ये भरतनाट्यम नहीं है, ये मणिपुरी नहीं है, ये उड़ीसी नहीं है, विदेश से आयात किया हुआ है। इतना अभद्र नाच रहे, मारवानु मन था। पूरी भूतावल, जब दुल्हे महाराज और भूत प्रेत आए, हिमाचल प्रदेश के लोग जब देखते हैं, और शंकर को बेल पर देखा, बड़द पर, सब भागे, मार डाला इसने, स्वयं यमराज पधारा, कौन है ये, भूत प्रेत पीछे दौड़े, रुको रुको हम हैं, अरे राम रुके तो, राम दुहाई जो मान रहेगा गम मत हो। घबरा गए सब, उत्पात मच गया, अरे तो हम बाराती है, अरे रहो बाराती, तुम कहां के बाराती, मार डाल। सब घबरा गए, पूरी नगरी में एक भय फैल गया, सब घर में छिप गए। बोले नाथ ने अपने लोगों को पूछा कि इस नगर में ऐसा कोई रिवाज है, ऐसा नियम है कि दुल्हा आए तब सब ऐसे भाग जाए? गणों ने कहा मालिक रिवाज तो नहीं होता है, लेकिन आज से श्री गणेश हुआ है, और सवाल इतना ही है सरकार कि जो भाग कर गए हैं इनमें से जिंदा कितना रहेंगे वही प्रश्न है। कोई बात नहीं, पूछो कोई घर खाली हो वहीं रह जाए, लेकिन पूरे गांव में भय का वाता, कांप रहे हैं सब, छोटे छोटे बालक कांप रहे, उनके माता पिता उनको पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, तब बालक बोले, गोस्वामी जी ने लिख लिया, चार ब्याल कपाल भूषण नगर जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चर, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर
बात ऐसी मेरी कम कही। अपने घर घर में बालक कह रहे हैं कि दुल्हे ने शरीर पर भस्म लगाई है, और संग में कोई अच्छा आदमी नहीं, भूत प्रेत आदि लोग उनके साथ हैं। हमको तो लगता है माता पिता कि वो ही जीवित रहेगा जिन्होंने बहुत पुण्य किए हो, और जिसने पुण्य किए वो जीवित रहेंगे, और जो जीवित रहेगा वही इस बारात को और इस ब्याह को देख पाएंगे, बाकी तो देखते ही मरेंगे। माता पिता बालकों को निडर कर रहे, निर्भय कर रहे। भगवान शंकर ने अपने गणों को पूछा कि भाई किसी को पूछो कि कहां विवाह का मंडप है। बोले पूछे किसको, कोई है ही नहीं। बोले फिर खोजो। बोले ये हो सकता, दो तीन गण गए गांव में घूमे, जो कुछ बाहर व्यवस्था में थे वो भी अंदर चले गए। मंडप तोरण पताका देखे तो लगा कि यहां लगता है कुछ, कहा कि महाराज मिल गए पिता, चलो आए सब भूत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर, ये कोई विवाह का रीत है। और नंदी पर जा रहा है शंकर, क्या सवारी की है बाबा ने। महारानी मैना ने और सखियों ने दुल्हे को अभी देखा नहीं था, तो परिछन की सामग्री लेकर दुल्हे को स्वागत के लिए तैयार हुई है। मन में मनोरथ कर रही है पार्वती की माता मैना कि मेरी बेटी ने इतनी तपस्या की है, मेरा दामाद कितना खूबसूरत हो। और भगवान शंकर, वीरभद्र ने श्रृंगे ने कहा अब उतरिए, ऊपर बाल तक नहीं, हाथ नहीं पहुंचेगा, आपको चांदला टीका करने पड़ेगी, नीचे आइए। बोले बेल सीधा नहीं जा सकता, अबे उतरो नीचे, अंदर नौ जाए घोड़ा का अंदर ले जाने। बे जना है हाथ आयो टेको आयो त्रिशूल आम खड़ू नीचे, हरिओम 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 हरिओम। गणों को पूछा आप कहाँ जाना है, थोड़ा आगे चलो। पूरा भूतावल संग, महारानी मैना ने सुवर्ण थाल में आरती सजोई थी कि मैं आरती करूंगी और आरती को देखकर मेरा दामाद खुश हो जाए, लेकिन जैसे आरती उतारने गई और एक ही वर्तुल पूरा हुआ न हुआ, आरती गिर गई। एक संत ने कहा कि पहले रुद्र रूप नहीं देखा, पहले तो अच्छा रूप दिखा, फिर भी आरती गिर गई। क्यों? महारानी महिना ने इस भाव से आरती बनाई थी कि मैं ये कलात्मक आरती उतारूंगी तो शंकर प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन जैसे आरती करने गई और भगवान शंकर के भाल में चंद्र को देखा, और महिना को लगा कि जिसके भाल में स्वयं चंद्र हो उनके आगे आरती की क्या कीमत है, आरती गिर। और फिर दूसरी बार ठीक से देखा और भगवान का ये भीषण रुद्र रूप देखा है, और मैना घबरा गई, महिलाओं के गीत चुप हो गए, बेशुद्ध हो गई, सखियां उसको लेकर अंतःपुर में ले गई। दूसरी बार अपमान, शंकर जी ने गणों को पूछा कि ये फिर क्या हुआ। बोले ऐसा ही होगा, सब ऐसा ही होगा, तो फिर अब करना क्या, लाओ नंदी को बह जाओ पास। लाओ क्या मुके तो मैंने बोलो तो मैंने दूर नहीं रखो, मारी पांच रखो जरा चढ़ू चार चढ़ी लो। बोले महाराज अब नंदी पर नहीं बैठा जाए, अब थोड़ी राह देखो प्रतीक्षा करो। तो बोले कहां निवास है खोजो। फिर खोजने निकले, गांव में तो कोई है ही नहीं दिखाने वाला, कुत्ता भी नहीं, कुत्ते सब काल भैरव के पास चले गए, उज्जैन में चले गए सब कुछ, कुछ गिरनार दत्तात्रेय के पास चले गए, कोई बताने वाला ही नहीं, पूरे गांव में भूत प्रेत घूम रहे।
फिर एक देखा आवाज, हो सकता है यहाँ हो, सब वहां गए। शंकर जी आए, कहा नंदी का इसको संभाल कर रखो, किसी ने मेरे चरम बिछाया बैठे। मैना मूर्छा से जागृत हुई तो रो पड़ी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा कि मेरी बेटी को ऐसी सिखा सलाह दी, ऐसे पुरुष को पति के लिए तप किया। मेहंदी लगाई, अपनी बेटी को गोद में लेकर मैना रो पड़ी कि बेटी कुछ भी हो पहाड़ से गिर जाऊंगी, समंदर में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, बदनामी मिले मिले, लेकिन मैं जीवित हूं तब तक तेरा ब्याह इस वर से नहीं होगा। मैना का एक अर्थ है मति, ईश्वर के साथ जीव का ब्याह हो इसमें बुद्धि विक्षेप करती, गुण दोष का निर्णय करने लगती, ऐसा दुल्हा। उसी समय भवानी ने मां को कहा, मां सुख और दुख मेरे भाग में जो लिखे हैं, मैं जहीं जहां भी जाऊंगी मुझे पाना पड़ेगा, तू करुणा छोड़, कलंक मत ले। पुत्री समझा रही है, उसी समय सप्तऋषि और नारद जी आए हैं। मैना को दुखी देखकर नारद जी सब कथा पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। हे मैना रो मत, बहोरी पितु के जन जो अब आपकी पार्वती गत जन्म में दक्ष की पुत्री थी। एक बार दंडक वन में गुजरते समय राम पर उन्होंने संदेह किया और सीता का वेश लिया, इसलिए शिव ने उनका त्याग कर दिया और पिता के यज्ञ में वो जल गई। आज तुम्हारे घर पुत्री बनकर आई है और अपने पति को पाने के लिए कठिन तपस्या की। मैना ये तो सदा सर्वदा शंकर प्रिया है, आंखें खोलो, सदगुरु के बिना बुद्धि की दीक्षा कौन दे सकता है? कोई संत आएगा तभी तो। कई बार ऐसा होता है कि शक्ति घर में होती है, शिव आंगन में खड़ा है, लेकिन गुरु नहीं मिला इसलिए समझ नहीं आई। जब नारद जी ने खोल दिया, सब पार्वती को प्रणाम करने लगे, हे दुर्गा हे जगदम्बा आपको प्रणाम, बार बार प्रणाम कर रहे। बाबा जी कहते हैं शिव कौन है उसका पता लग गया, एक नया आदर नया भाव सबके हृदय में प्रकट हुआ। चार प्रकार की रसोई बनी, शिव समाज को भोजन करवाया और भगवान शंकर की सवारी निकली। अब तो पूरे नगर में बधाई है, सबको सद्भाव हो गया, पता लग गया और भगवान शिव नंदी पर सवारी करके आ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की बीथी बीथी से गली गली से हर महिलाओं के मुख से एक ही सुर निकल रहा था, आज आज तो
पार्वती का महान भाग्य शिव जैसा पति मिला है, वेद विधि से विवाह संपन्न हुआ है, कन्यादान हुआ, हिमालय महाराज दाई करियावर देने के लिए खड़ा है, शिव जी की क्षमा याचना कर रहे हैं, महाराज हमारी भूल हो गई, हमको क्षमा करें, हम आपको कैसे समझे, आपकी महिमा तो बहुत अमीर है। महिमा परम विदुषो यद्य शतुषि श्रुतिर् ब्रह्मादिनामपि तदवसन्नास्वयि सर्व स्वपति परिणामवधिगणन् ममाप्येष हिमाचल महाराज ने कन्या विदाई की। पर्वतराज की पार्वती पति गृह की ओर चली, हिमालय रोए, महीना रोई, बेटी की विदा हुई। शिव का समाज देव संग कैलाश पहुंचा। कथा याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को सुना रहे, भगवान शिव कैलाश आए हैं, देवता भगवान की स्तुतियां करते करते अपने लोक में चले गए, और मानसकार कहते हैं शिव और पार्वती उनका नित नूतन विहार, ये तो माँ बाप है, माता पिता के श्रृंगार का वर्णन बेटा करे तो दोष लगेगा, कालिदास ने किया तो दंड भोगना पड़ा, कालिदास ने खुला वर्णन कर दिया कुमार संभव, और फिर रोग का भोग बना कालिदास, और इससे मुक्ति पाने के लिए फिर रघुवंश लिखना पड़ा कालिदास। जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, वागर था संप्रिक्तो जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु हर गिरिजा बिहार नित नयन, हर गिरिजा बिहार नित नयन, यही विधि विपुल काल चल गए, तब जन्मेऊ षट बदन कुमार, तारक असुर समर जे घिमारा, तारक असुर समर जे घिमारा, तारक असुर समर जे घिमारा। जगत के माता पिता शिव पार्वती, उनके श्रृंगार का भला कैसे मैं वर्णन करूं, नित नूतन हर गिरिजा का विहार, पावित्र हो पवित्रता से भरा दाम्पत्य, काल पूरा हुआ, पार्वती ने पुत्र को जन्म दिया कुमार संभव, शतभजन का प्रागट्य हो, और इस परम पुरुषार्थी बालक कार्तिक स्वामी ने
तारकासुर नामक राक्षस को मार दिया। जगत में उसकी कीर्ति फैल गई। गोस्वामी जी कहते हैं, इसलिए मैंने संक्षेप में ये कथा कही, शिवचरित्र समुद्र है, वेद पार नहीं पा सकता। बाबा जी कहते हैं, मैं कैसे उसका वर्णन करूं। शिवचरित्र पूरा किया। भगवान याज्ञवल्क जी कहते हैं भरद्वाज जी को, गोस्वामी जी अपने मन को कहते हैं, ऐसे भोलेनाथ एक बार कैलाश पर बैठे योग्य समय पाकर पार्वती भगवान शिव जी को प्रश्न पूछती है, भगवान मुझे पहले जैसा अब कोई संदेह नहीं है, अब जिज्ञासा है। मैंने राम की परीक्षा करने के लिए सीता का वेश लिया और मैं विफल रही, दंड भोगा। प्रभु अब आप मुझे साफ साफ बताओ कि सही में राम कौन है, ये राजकुमार है कि ब्रह्म है? ब्रह्म है तो राजकुमार क्यों, और ब्रह्म ही राजकुमार हुआ तो फिर नारी के विरह में इतने पागल क्यों? जिसका चरित्र देखकर, चरित्र सुनकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई तो सामान्य व्यक्ति की क्या वो? आप मेरी इस जिज्ञासा को पूर्ति करो। राम कथा सुना करके महाराज मुझे पूरी कथा सुना दी जाए। शिव जी को आनंद हुआ, ध्यान रस से बाहर आए। भवानी जो राम पर संदेह करती थी, वो राम कथा सुनने के लिए जिज्ञासु हुई, इसकी खुशी हुई। और भगवान शंकर ने अपने राम भद्र का ध्यान किया, प्रभु को याद किया। कथा के आरंभ में बाबा बोले, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, मंगल भया मंगल हारी, जो दशरथ अजर बिहारी, धन्य धन्य गिरिराज राम कथा सुंदर करता, संशय विहग राम कथा कलि बीतप सादर सुनु गिरि राज सादर सुगिरिराज। आपको धन्यवाद भवानी, आप बहुत उपकारी हैं। एक तो भगीरथ हुआ जिसने तपस्या से गंगा अवतरण किया, लेकिन जो मेरी जटा से निकली। लेकिन आप एक दूसरा उपकारक काम करने जा रही हैं, कथा रूपी गंगा को प्रकट करने जा रही जो मेरे मुखारविंद से निकलेगी। और समस्त वो गंगा तो हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे, लेकिन ये तो सकल लोक जग पावनी गंगा, ये राम कथा रूपी गंगा तो समस्त भुवनों को पावन कर देगी। आप धन्य है धन्य है। मन के संदेहों का निवारण किया, परमात्मा का वेदोक्त रूप प्रतिपादित कर दिया, राम कथा का महिमा गान किया शिव ने, कि राम कथा दो हाथ की ताली है, जैसे कोई ताली लगाता है और पक्षी उड़ जाता है, ऐसे राम कथा की ताली से संदेह के पक्षी उड़ जाया करते हैं। राम कथा कलयुग के वृक्ष को काटने में शास्त्र होते हुए शस्त्र बन जाती है, कुल्हाड़ी बन जाती है, और कली को निष्ठ काट देती है। आप आदर के साथ, सावधानी के साथ इस कथा का श्रवण करें। भगवान शिव ने कथा का आरंभ ज्ञानपीठ से किया।
देवी निर्गुण अजन्मा अनि अरूप अव्यक्त ऐसा जो ब्रह्म है वो भक्तों के प्रेम के लिए सगुण रूप धारण करता है। जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म को हानि होती है या धर्म को ग्लानि होती है असुर अधम बहुत बढ़ जाते हैं, तब भगवान संत सज्जनों की सुरक्षा के लिए विधविध रूप धारण करके प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। गीता ग्लानि कहती है, रामचरितमानस हानि कहता है, एक ही बात है। फिर प्रभु प्रकट हो जाते हैं। भगवान के अवतार के जितने कारण गिनाए जाते हैं भवानी, इनमें इदमित्थ कोई नहीं कह सकता। मति अनुरूप सब गाते हैं। मैं आपको कुछ कारण बताऊं, भगवान के अवतार के पांच कारणों की चर्चा आई। पहला कारण जय विजय का, दूसरा कारण सती वृंदा ने श्राप दिया सो, तीसरा कारण नारद जी ने भगवान को श्राप दिया इसलिए प्रभु को मनुष्य लीला करनी पड़ी, चौथा कारण नैमिषारण्य में मनु और शत्रुपा के अखंड और दिव्य तपस्या जिसके फलस्वरूप दूसरे जन्म में भगवान उनके गर्भपुत्र के रूप में पधारते, पांचवा कारण प्रताप भानु को ब्राह्मण का श्राप लगा। प्रताप भानु दूसरे जन्म में रावण हुआ, उसका भाई हरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ, उनका सचिव धर्मरुचि जो था वो विभीषण हुआ, और उनके कल्याण के लिए प्रभु को राम अवतार लेना पड़ा। पांच कारण बताए। राम के जन्म से पूर्व रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने राक्षसों के जन्म की कथा लिखी है, रावण के जन्म की कथा लिखी, क्योंकि रावण ये निशिचर है, उसका निशिचर वंश है, रात्रि का वंश है, राम का सूर्य वंश है, इसलिए पहले रात्रि फिर सूर्योदय फिर सूर्य वंश की कथा लिखते। रावण कुंभकर्ण ने बहुत तपस्या की, वरदान प्राप्त किए, विभीषण ने भी, तीनों भाइयों का ब्याह हुआ। रावण पूरे संसार में घूमकर सबको पराजित करने लगा, त्रिकूट पर बसी लंका पर जाकर यक्षों को वहीं से खदेड़ दिया और रावण ने वहां अपनी राजधानी स्थापित किया, सुवर्ण लूटा, सुंदरियों को लूटी, अपने परिवार और सेवकों को कहने लगा कि जहां श्राद्ध होता है हत्या करो, वेद पुराण की चर्चा होती हो इनका शिरच्छेद कर दो, यज्ञ होम में बाधा डालो। जगह जगह पर रावण ने अपनी चौकियां लगा दी कि कोई तर्पण होम श्राद्ध सत्संग न कर पाए। पूरे संसार में भ्रष्टाचार फैल गया। रावण के इस त्रास के कारण धरती अकुला उठी, गाय का रूप लेकर धरती ने ऋषि मुनियों से फरियाद की। 18 बार वनस्पति, इतना बड़ा विराट सप्त सिंधु, इतने बड़े बड़े पहाड़, इनका वजन मुझे नहीं लगता जितना इन परद्रोहियों का लग रहा। ऋषि मुनियों ने कहा कि हमारा चिंतन मनन भी रुक गया रावण के त्रास से, अब तो एक ही उपाय, हम देवताओं को कुछ कहे कि कुछ उपाय बताओ। सब देवताओं के पास आए। देवताओं ने कहा कि हमारा भोग समाप्त हो गया, रावण आता है तो मेरु कंदरा में हम छिप जाते, हम थक गए लड़ लड़ करके। ब्रह्मा जी से विनती की, ब्रह्मा ने कहा कि एक ही उपाय बचा है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को, निखिल ब्रह्मांड को बनाया, उस परम तत्व को प्रार्थना करो। कथा कहते कहते शिव जी ने कहा, देवी उस समय मैं भी वहां मौजूद था। ब्रह्मा जी ने कहा हम प्रभु को पुकारे, लेकिन एक प्रश्न पूछा ब्रह्मा ने, भगवान कहां मिलेंगे। देवी
उसी समय सब देवता बिलग बिलग स्थान दिखाने लगे। जब ब्रह्मा जी ने मुझे पूछा तब मैंने शिव को, शिव कहते हैं, मैंने ब्रह्मा जी को ये सुझाव दिया कि ये कैसी चर्चा आप कर रहे हैं, भगवान कहाँ नहीं है, वो तो सर्वत्र है। मानस की प्रसिद्ध पंक्ति, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो बचन सबके मन माना, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कहि ब्रह्म बधाना, साधु साधु कहि ब्रह्म व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो। भगवान सब जगह व्याप्त है, समान रूप से व्याप्त है, उसको प्रगट करने के लिए देवताओं प्रेम चाहिए। शिव ने कहा, ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए, समाधान मिल गए और शंकर जी को साधुवाद दिया, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। शिव जी ने कहा, यहां प्रेम से पुकारो, भगवान यहां प्रकट होंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो नहीं खोया है, हमारी स्मृति खो गई है, प्रभु थोड़ा खोया है, स्मृति खो गई है, और इस स्मृति को बस पुकारो, उनको आ जाए और घटना घट जाए। ब्रह्मा की अगवानी समस्त ऋषि मुनिकूट, समस्त देवकूट, पूरी पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती हुई गाय के रूप में धरित्री, सब ने परमात्मा की समूह प्रार्थना की, हरि अब प्रकट हो जाइए और हमको संकट से बचाइए, और सब समूह में प्रार्थना कर रहे हैं, आइए हम सब भी हमारे जीवन की अयोध्या में राम प्रकट हो जाएं। इसलिए इस देव स्तुति में हम भी सम्मिलित होकर भगवान को पुकारें, जय जय सूर नायक जन सुख दायक प्रणत पाद भगवन ओ द्विज जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरण मन जाने को सो कृपाला दीन दयाला करउ अनुग्रह सो जय जय अविनाशी सब घट वासी व्यापक परमानंद आदि चरित पुरी माया रहित जे ही रागी बीरा अति अनुरागी विगत मोह मुनि शिवा
जयति सच्चिदानंद जयहि सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई संग सहाय भाव से भगवान का प्रागट्य हो इसलिए देव स्तुति में सम्मिलित हो जाइए। सीताराम राम राम जी ने सबके संग प्रीत से स्तुति की। आकाशवाणी हुई, देवताओं डरो नहीं। धरती के भार को उतारने के लिए मैं अंश सहित प्रकट हो जाऊंगा। मेरी आदि शक्ति सामने पक्ष में प्रकट हो जाएगी।
थोड़ी प्रतीक्षा करो, रघुकुल में मेरा प्रागट्य होगा। सब देवता प्रसन्न हुए, अपने अपने लोक की ओर जाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवता लोग, आज तक हम भोग भोगते रहे, इसलिए रावण से पराजित होते रहे। अब भोग भोगना बंद करो और सुंदर मिटकर बंदर बन जाओ। भगवान के लिए भोग देना सीखो, सुंदरता एक और करके बंदर भालू बनकर भगवान आए इससे पहले भारत की धरा पर पहुंच जाओ। देवताओं के अंश से अवतार ले लेकर बंदर भालुओं की काफी भीड़ जंगलों में, कंदराओं में, पहाड़ों में आ गई और हरि के मार्ग को देख रही है। कब प्रभु पधारे, पूर्व भूमिका बन गई प्रभु के आने की। और अब गोस्वामी जी हम सबको लिए चलते हैं श्री अयोध्या जी, जहां प्रभु का प्रागट्य होने वाला। आइए कुछ समय के लिए ब्रह्मावर्त छोड़ दीजिए और चलिए श्री अयोध्या तुलसी की चौपाइयों के संग। और अयोध्या जाने से पहले एक बार अयोध्या का जय जयकार करें। बोलिए अयोध्या राम की जय, सरजू मैया की जय। जहां प्रभु का जन्म हुआ है उस प्रागट्य स्थली परमात्मा की, गोस्वामी जी उस अवध धाम की ओर हमको लिए चलते हैं। अयोध्या को याद किया मानस कार, आइए कुछ चौपाए। जहां कभी किसी का वध नहीं होता उसका नाम अवध। जहां कोई कलह नहीं, जहां किसी से वैर नहीं, जहां मन वचन कर्म से किसी की हिंसा नहीं होती वो अवध। अवधि एक सीमा, इसके आगे कुछ नहीं, अवध है। भारतीय संस्कृति की अवधि है श्री अयोध्या। भारतीय सभ्यता का मस्तक है अयोध्या। वैष्णवाचार्यों ने कहा, भारतीय सभ्यता की एक जो मूर्ति है, एक विग्रह, उनका मुकुट मस्तक है श्री अयोध्या और मुकुट है जनकपुरी। जनकपुरी उसका मुकुट है। हमारा देश भाग्यवान, यहां वृंदावन धाम, यहां अवध धाम, यहां चित्रकूट धाम, यहां काशी धाम, कितने कितने अरण्य, कितने कितने दिव्य तीर्थ, तीर्थों की ये भूमि है। वेद और लोक प्रसिद्ध महाराज दशरथ जी का, रघुवंश मणि महाराज का शासन है। दशरथ जी का परिचय दिया, धर्म धुरंधर है, ज्ञानी है और भक्त भी है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों गीता का पूरी मात्रा में जिसके जीवन में चरितार्थ हो गया, धर्म कर्म से पूरित, गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग पानी, प्रजा भी महान, राजा भी महान, कुल महान, वंश महान, परंपरा महान,
महाराज की रानियां। गोस्वामी जी कहते हैं कितना दिव्य जीवन रानियों का। बाबा कहते हैं कौशल्यादि नारियां सब कौशल्यादि प्रिय रानियां पति अनुकूल जीवन जी रही हैं। भगवान के चरणों में भी प्रीत है, भक्तिमती माताएं हैं। एक बार महाराज दशरथ जी को ग्लानी हुई, गीता के धर्म को ग्लानी हुई। महाराज धर्म धुरंधर है और उसको ग्लानी हुई। भगवान कब प्रकट होता है? जब धर्म को ग्लानी हो। एक बार भूपति मन माही भाई ग्लानी मोरे सुतना महाराज दशरथ जी को ग्लानी हुई कि मुझे पुत्र नहीं है, कल मेरे से रघुवंश समाप्त हो जाएगा, कोई वारिस नहीं। किसको कहूंगे? निर्णय किया मेरे गुरु के पास जाऊं, मेरे सदगुरु को मेरे दिल की वेदना कहूं। मैंने कई बार आपको सुनाया है, केवल स्मरण दिलाओ, जीवन में कोई न कोई अभाव रहेगा ही। यहां जगत जितना भी मिलता है अधूरा ही मिलता है, और परमात्मा जब भी मिलता है पूरा का पूरा ही मिलता है। भगवान में अपूर्णता की व्यवस्था नहीं और जगत में पूर्णता की व्यवस्था, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती। तो कमियां जब चुभे, अभाव जब आपको ग्लानी से भर दे, तो कौन समाधान? एक ही गुरुद्वार समाधान। आज राजद्वार गुरुद्वार जा रहा है, राजद्वार इसका समाधान नहीं हुआ, इसलिए गुरुद्वार का आश्रय ले रहे। मेरे भाई बहन, जीवन की कोई भी कमियां या तो विपत्ति अपने सदगुरु को कहियो। महाराज दशरथ जी चल पड़े। दुनिया सब दुखी है, दुनिया के पास क्या कहना, बेचारे दुखी है, उनके पास दुख गाओगे तो उनका दुख बढ़ जाएगा, या तो वो ऐसा गाएगा तो तुम्हारा बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कोई कोई संत के पास जाकर कहो, दुनिया तो दुखी है, कौन सुखी है भाई? जिसको देखो कुछ न कुछ दुखी है, कोई न कोई कमियां। मैं इंदौर के एयरपोर्ट में बैठा था, हवाई जहाज लेट था, तो वहां का राज्य पुलिस का बड़ा राज्य का चीफ वो आया बैठे। उसने सबको कहा कि बापू मुझे एक मिनट आपसे बात करनी, सबको बाहर निकालो। मैंने कहा निकालो। मुझे कहा मुझे एक दुख है। मैंने कहा तुमको भी दुख? क्या बात है? बोले मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, जहां देखो सब दुख। मेरी समझ में, मेरे अनुभव में, मैंने कई बार कहा दो जगह सुख है, एक हरि नाम में और दूसरा संत के संग में। तुलसीदास जी ने लिखा है कि मैंने दो वस्तु का आश्रय लिया, एक राम नाम और दूसरा गंगा जल पान, ये दोनों मेरे लिए अभिराम सिद्ध हो गए।
गंगा जल का पान मानी, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सत्संग कर हरि नाम का आश्रय कर, ठरवाना ठिकाना बैच है बाप, एक हरि नाम दूसरा सत्संग। दुनिया दुखी है, इनके सामने क्या कहने, सदगुरु को कहो, यहां सब दुखी है। वो विनोदी वार्ता है ना, सर्कस में रीछ मर गया और सर्कस का रीछ का खेल रुका, तो फिर सर्कस के मैनेजर ने इंटरव्यू निकाला, कई युवान आए जो नौकरी नहीं मिलती थी, एक युवान को पसंद किया जो स्नातक था, कहा कि ठीक है आपने सिलेक्ट कर लिया तो मुझे क्या करना, बोले रात को जब खेल में तुम्हारे बारी आए ना, हमारा रीछ मर गया है तो रीछ का चमड़ा पहनकर तुझे चार पग रीछ की तरह चलना है, पर हमारा खेल रुका हुआ। बोले ठीक है, 300 रुपया तनख्वाह, खाना पीना रहना सब मुफ्त, और सर्कस देखो। तो ठीक है, अच्छी बात। कितने घंटे? बोले 15 मिनट का तेला रोल। दूसरे दिन पहला ही शो, पहला ही उसका खेल, चमड़ा पहनकर रीछ का आया, जामवंत का वंश। अरे बड़ा अच्छा उसने खेल किया। इतने में एक पिंजड़ा आया और सर्कस के एक आदमी ने पिंजड़ा खोला और अंदर से खुखार शेर निकला दहाड़ता हुआ। उस युवक को लगा कि मर गया है, 300 में तो मर जाऊंगा मैं, भागा। जैसे भागा तो शेर ने कहा, मैं भी नौकरी करता हूं, मेरा 500 तनख्वाह है, घबरा मत, मैंने भी चमड़ा ही पहना है, यहां कोई रीछ है कोई शेर है, सब दुखी दुखी है मेरे भाई। संत शरण सदगुरु शरण ही एक सुख का विसामा है। दशरथ जी आए गुरुद्वार और बाबा जी के पास जाकर प्रणाम करके अपना दुख सुख गाने लगे। निज दुख सुख सब गुर ही सुनाए कही वशिष्ठ बहुविधि समझाए धर धीर होई हहि सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी श्री वशिष्ठ बोला पुत्र काम शुभ यज्ञ करा, कहा धैर्य धारण करो राजन। गुरु बोले सुनिए क्या आपकी चौथी अवस्था है ना राजा? हाँ बाबा, मेरा आशीर्वाद है तुमको 4 पुत्र प्राप्त हो। महाराज हाँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, पुत्र कामेष्ट यज्ञ करना और महर्षि श्रृंगी को बुलाना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि महाराज को निमंत्रण गया, आए श्रृंगी वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम यज्ञ करावा भगति सहित मुनिया होती दे
प्रगटे अग्नि चरु करने। श्रृंगी जी पधारे, वेद विधान से यज्ञ का आरंभ हुआ। भक्ति के साथ मुनि आहुति दे रहे हैं, समर्पिता भाव के बिना प्रभु प्रकट नहीं होते। जीवन को आहूत करना पड़ता है, यज्ञ जीवन को बनाना होता है, हर द्रव्य होमना होता है, तभी प्रभु प्रकट होंगे। प्रीत से आहूतियां दी गई, अंतिम आहूति और मंत्रों के उच्चारण के साथ मानसकार कहते हैं, अग्नि यज्ञ कुंड से स्वयं यज्ञ देव अग्नि स्वरूप में हाथ में प्रसाद का चरु लिए यज्ञ कुंड में प्रकट हुए। सभा जय जयकार कर उठे, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, अग्नि नारायण भगवान की जय, वेद नारायण भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय। प्रसाद का चरु लिए यज्ञ देव प्रकट हुए, वशिष्ठ जी को चरु दिया। महाराज को ये प्रसाद देकर कहना, अपनी रानियों को जथाजोग भाग बांट दे, पुत्र प्राप्ति होगी। अदृश्य हुई। भगवान वशिष्ठ जी दशरथ जी को प्रसाद देते, आपकी रानी को प्रदान करे रानियों को। प्रिय रानियों को बुलाई, जथाजोग बांट रहे हैं यज्ञ का आधा प्रसाद कौशल्या जी को दिया, आधे प्रसाद के दो भाग करके पा भाग का प्रसाद कैकेयी जी को, बचे भाग के फिर पुनः दो भाग किए और कैकेयी और कौशल्या के हाथों से प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को दिया। तीनों माताओं ने भगवान श्रीरंग का स्मरण करके प्रसाद पाया। मां कौशल्या ने प्रसाद पाया और मानसकार कहते, प्रभु गर्भ में पधारे। लेकिन ब्रह्मांड नायक मां के गर्भ में आ गए, जिसके गर्भ में समस्त विश्व छिपा है, भक्तिवश आए गर्भ में। गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, पूरे जगत में सुख समृद्धि छा गई जब से हरि गर्भ में आए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राज हिरानी, शोभासील तेज गिखा, सुख जूत कछुक काल चली गए, जेहि प्रभु प्रगट सो अब सर भय। सुख जूत कछुक काल चलि गए, जेहि प्रभु सो अवसर भये। शोभा शील और तेज के खाने माताएं मंदिर में सो रही, सगर्भा स्थिति का अनुभव कर रही है। समय मर्यादा पूरी हुई है,
भगवान को प्रकट होने का सर्व मंगल काल आया है। दिशाएं पावन होने लगी, ग्रह नक्षत्र ठीक होने लगे, सर्व समय गुण से भर गया है, पंचांग अनुकूल हुआ। बाबा बोले जो लगन ग्रहि सकल भय बार तिथि पंचांग अनुकूल हुआ, चर अचर सब हर्षयुत हो गए, क्योंकि राम जन्म सुख की जड़े हैं। त्रेतायुग चैत्र मास शुक्ल पक्ष, चैत्र मास से नई साल शुरू होती है और ये नई साल की नवरात्र पूरी हुई है। दुर्गा पूजा के दिन पूरे हुए, शक्ति की पूजा पूरी हुई और शक्तिमान के प्रागट्य का समय आया। वसंत ऋतु है, ऋतुराज में राम आए, क्योंकि राजा धीराज बनकर आए हैं, इसलिए ऋतु राज में आए। भगवान श्री कृष्ण को किसानी करनी है, गोपालन करना है, इसलिए वर्षा ऋतु में आते हैं। राम जी ऋतुराज वसंत में आते हैं। भगवान राम राजकुमार बनकर आए हैं और राजकुमार को रखने के लिए कमरा खाली होना चाहिए, इसलिए रिक्त तिथि कर्मकांड की दृष्टि से नवमी रिक्ता मानी गई। खाली तिथि में कमरा खाली, वहां दूसरा नहीं आ सकता। भगवान कृष्ण तो अष्टमी को आए, क्योंकि गोप बालकों के संग खेलना है, इसलिए वहां रिक्त स्थिति नहीं है, वहां अष्टमी को आते। भगवान राम मध्यान्ह के 12 बजे, श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे आते हैं। भगवान का धवल पक्ष है राम जी का, भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण पक्ष है। चोरी करनी हो उसको रात में ही आना चाहिए, अथवा तो रास रचना हो उसको रात में ही, तो रास की शोभा है। एक ऐसा अवतार जिसने रात को दिन कर दिया दुनिया, जिसने उसका आश्रय किया उनकी मोह निशा खत्म हो गई और सदैव विवेक के प्रकाश में डोलते रहे। दोनों अवतार ने, ये दोनों समय बड़े मंगलमय। देखो भाई, मैंने गत कथा में भी कहा, रात्रि के 12 बजे और दिन के 12 बजे कभी कोई मुहूर्त मत देखना, सब शुभ काम कर लेते हैं। दोनों अति मंगलमय समय। लोग कहते हैं रात के 12 बजे भजन करें, अरे खास करें उस समय, ये बड़ा मंगल समय है। रात मध्य रात्रि और मध्य दिन बिना पूछे मुहूर्त माना जाता है, उसमें तो सब कर्म कर सकते हैं। तो नवमी तिथि है, त्रेतायुग शुक्ल पक्ष, मधुमास अभिजीत हरिप्रीता, बाबा जी की घोषणा। Thank you.
नवमी तिथि शुक्ल पक्ष मध्य दिवस, न सर्दी है न ताप है, लोगों को भोजन करके विश्राम का समय है। मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगी। किसी ने वायुदेव को पूछा कि आप इतने क्यों प्रसन्न हैं आज, तो पवन देव ने कहा कि मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि रघुकुल में जिसका प्रागट्य होने वाला है उसकी सेवा में मेरा हनुमान लगने वाला है, इसलिए वायुदेव प्रसन्न हुए। पहाड़ों में मणि निकलने लगी। पहाड़ों को पूछा कि आप इतने प्रसन्न क्यों, पहाड़ों ने कहा कि हमारी पुत्रियां नदियां, हमारी बेटियों को हमने समुद्र से ब्याह करवाया, उसके बाद हमारी बेटी कभी हमको मिलने नहीं आई। भगवान समंदर पर सेतु बनाएंगे तब हमको उखाड़ उखाड़ कर दरिये में डालेंगे, तब बाप बेटी का मिलन हो जाएगा, हम धन्य हो जाएगा। खानियों से खदानों से मणि निकलने लगे। मणियों को पूछा कि आप प्रसन्न क्यों हैं, मणियों ने कहा कि भगवान के नाम के पीछे हमारा नाम लगेगा, लोग उसको रघुवंश मणि कहेंगे, हम धन्य हो जाएंगे। वन खिलने लगे तो पूछा वन को आप इतने प्रसन्न क्यों, बोले भले आज अयोध्या में आते हैं लेकिन 14 साल तो हमारे यहां आकर रहेंगे, इसलिए वन प्रसन्न हुए। छोटी बड़ी पुष्प वाटिकाएं खुश हुई, पुष्प प्रसन्न हुए। पूछा किसी ने पुष्पों को आप, बोले हाँ जनकपुर में आकर अपने कोमल हाथों से हमको चूंटे गए, हम धन्य हो जाएंगे। नदियों में अमृत बहने लगा। ब्रह्मा जी को खबर मिली, सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में विमान लेकर, पूरा आकाश संकुल हो गया देवताओं से, खचाखच भर गया हरि आने को। यहां कौशल्या जी को शकुन होने लगे, नेत्र भर गए, आज कुछ होने वाला, अयोध्या का जन जन पुलकित है। सुबह से शकुन होने लगे। अवधवासियों के आंगन में यज्ञ कुंड है लेकिन आज बिना आहुति दिए अग्नि प्रज्वलित हो गया है।
समंदर के तट पर समंदर मनिया बाहर फेंकने लगे, पहाड़ प्रसन्न, प्रकृति प्रसन्न, प्रभु आने की बेला। देवता गर्भस्तुति करने लगे, दुंदुभि बजने लगे, आकाश से देवताओं पुष्प की वृष्टि करने लगे। लोग गदगद भाव में डूबे हैं, कोई किसी से बात करता है तो रो पड़ता है। आज हमको बड़ा अच्छा संकेत मिल रहा है, प्रभु आएंगे। पाताल के नाग देवता, धरती के मुनि देवता और स्वर्ग के सूर लोग, देवता लोग अपनी अपनी गर्भस्तुति कर गए, प्रभु अब प्रकट हो जाएंगे। और गोस्वामी जी कहते हैं मध्याह्न का समय हुआ है, योग्य समय होते ही घटना घटी, विश्व के लिए उपकारक घटना घटी। और बाबा जी लिखते हैं घटना घटी और देवताओं के विमान देवता लेकर के अपने अपने लोक की ओर चल दिए। देवता अपने लोक में पहुंचे और भगवान माँ कौशल्या के भवन में प्रकट होने की तैयारी। बाबा के शब्द पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे। अखिल लोक जग निवास जग निवास परमात्मा माँ कौशल्या के सन्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उसका प्रागट्य चतुर्भुज रूप में हुआ है, माँ कौशल्या ने देखा। गोस्वामी जी कहते हैं चार भुजा लेकर प्रभु आए, माँ ने दर्शन किए और मानसकार की लेखनी चल पड़ी। भाई आप देखिए भैया, प्यारे प्यारे आप जब हो ना उत्सव तब आप सब पर उड़ान देना, सबको देने में डिस्टर्ब हो जाएगा। हरी अद्भुत प्रभु
हरि तज नारद हरि पद पाई ले पर चतुर्भुज रूप में प्रभु प्रकट हुए। मानो दुनिया को कह रहे हैं कि आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो कि सन्यासी, चतुर आश्रम को मैं धन्य कर दूंगा। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चतुर वर्ण को मैं कृतकृत्य कर दूंगा। आप सतयुगी हो, त्रेता के हो, द्वापर के हो, कली के हो, मेरा आश्रय करोगे तुमको धन्य कर दूंगा। आप मेरा आश्रय करेंगे, दो हाथ मेरी ओर उठाओगे तो मैं चार हाथों से तुमको भर दूंगा, तुमको कृतकृत्य कर दूंगा। या तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ तुम्हारे में सिद्ध कर दूंगा, अथवा तो चतुर्भुज संकेत था, एक चार हो जाएंगे, हम एक के चार बनेंगे, चार पुत्र के रूप में प्रकट होएंगे। महाराज की चौथी अवस्था है इसलिए चार पुत्र के रूप में। कई अर्थों में प्रभु आए, विप्र के लिए आए हैं, धेनु गायों के लिए आए हैं, सूर देवताओं के लिए आए और सन चारों के लिए आए, इसलिए मानो चार भुज लेकर आए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए आए। बहुत से अर्थ है उसको, स्वतंत्र विषय है प्रकरण, जन्म प्रकरण। मानस राम जन्म जब ठीक से करेंगे तभी तो चतुर्भुज बनकर मेरे हरि आए। मां कौसल्या ने कहा कि हे अनंत, मैं तेरी स्तुति किन शब्दों में करूं। मां को ज्ञान हुआ, प्रभु ने मुस्कुरा दिया। अब मां ने मुंह फेर लिया, भगवान ने कहा मां मैं आया और तू मुंह फेर रही है, ये कोई आतिथ्य है क्या? अरे मालिक, आप आए बड़ी खुशी हुई, लेकिन एक बात बताएं क्या, बुरा न लगाएं क्या, हमको गत जन्म याद है, मैं शत्रुपा महाराज मनु, उस समय आपने ये कहा था कि मैं आपके घर रघुकुल में पुत्र बनकर आऊंगा, आज पुत्र बनकर नहीं आए, आज तो बाप बनकर आए, वचन चुक गए हो सरकार, हमको वचन दिया है आपने, हमको ये रूप प्रसन्न, आप मनुष्य हो। भगवान ने कहा मैं मनुष्य नहीं लगता, बोले नहीं, मनुष्य को चार हाथ नहीं होते, दो हाथ होते, प्रभु ने दो हाथ कर दिए। पूछा मां अब, बोले अब लगते हो मनुष्य जैसे, लेकिन महाराज जन्मने वाला बालक तो छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, छोटे हो जा, प्रभु छोटे हो गए। मां को पूछा अब, बोले नहीं अभी और छोटे हो जा भगवान, और छोटे। फिर पूछा अब, अभी और होते 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 नवजात बालक की तरह प्रभु हो गए। फिर मां को पूछा अब, बोले हाँ अब लगते हो बालक जैसे, लेकिन बोलते हो बड़ों की तरह, ये कौन मानेगा कि बालक है हमारा। रो, बोलना तो जब हम सिखाएं तब सीखना, अब तो रो तुम। और मां के प्रेमाधीन हरि, देखिए भारत की मां की ताकत तो देखिए, निर्गुण ब्रह्म सगुण होने जा रहा। इसलिए मैंने कई बार कहा कि मां कौसल्या महिला नहीं है, मेरे देश की महिमा है, भारतवर्ष की ये महिमा है जो हरि को बालक बना सकती है। आदेश दिया कि जय शिशुलीला, हुक्म कर दिया अब बालक हो जाए, शिशुलीला करे। और जब मां के इस आदेश को सुना, सुनी वचन सुजाना, और मानसकार को लिखना पड़ा, फिर प्रभु बोले नहीं तो क्या किया, रोदन ठाना, भगवान रो पड़े। तुलसीदास जी ने पूछा महाराज आप क्यों रो रहे हैं, बोले एक तो मां ने कहा इसलिए, दूसरा बालक होना है इसलिए, और तीसरा मैं मेरे भक्त का रोना ले लूं और मेरे भक्तों को खुशियां दे दूं, दुनिया को हास्य दे दूं, मुस्कुराहट दे दूं, इसलिए प्रभु रोए। और अब राघवेंद्र निखिल ब्रह्मांड अधिपति परात पर ब्रह्म साक्षात श्री हरि परमात्मा ईश्वर जो कहो, मां कौसल्या के प्रेम के अधीन होते हुए
एकदम बाल रूप में नवजात शिशु के रूप में माँ के अंक में रो पड़े, राम जन्म हुआ। एक बार भाव और शुद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की। विप्रधनु सुर निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण सियावर रामचंद्र की रघुवीर राम पवन सुत हनुमा उमापति महादेव। बोलो भाई सब। प्रभु का राम के रूप में प्रागट्य हुआ और बालक की तरह हरि रोने लगे। मानसकार कहते हैं राम भद्र के रोने की आवाज सुनकर सभी रानियां संभ्रम दौड़ आई कि क्या हुआ। संभ्रम चली आई सब रानियां दौड़ती माँ कौशल्या के भवन में आई। बालक को देखते ही आनंद से भर गई हैं। दासियां दौड़ी राज दरबार में जाकर महाराज को कहने लगी, महाराज आपके घर लाला भयो है। महाराज ने जब सुना दशरथ पुत्र जन महाराज ने सुना पुत्र जन्म हुआ है, ब्रह्मानंद हुआ है, गले की माला ये तोड़कर बांटने लगे हैं। महाराज वशिष्ठ जी को बुलाओ, बदनिये को बुलाओ। परमानंद में डूबे महाराज भगवान राम महोत्सव का, जन्म महोत्सव का आरंभ करते हैं। पूरी अयोध्या में बधाई हो रही है इस व्यास गादी से। नूतन वर्ष के इस प्रथम राम जन्म की बधाई। आप सबको भगवान राघवेंद्र के जन्म महोत्सव की बधाई हो, बधाई हो। अयोध्या में उत्सव का आरंभ हुआ। घोड़ा दी
अवध में आनंद भयो, मुनिपद कंज रामायण जय निर्मय सकल दोष रहित दूषण बोलिए वाल्मीकि भगवान की। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसवसुरु बोलिए हनुमान जी महाराज। आज का सत्संग विराम ले रहा है, कल सुबह 9 बजे फिर आ गए भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए।